ब्लॉक 3 है, JF-17 है, F-16 है, Su-30 है, रफाल है, क्रिपन है, यूरो फाइटर है, एक तवी लिस्ट है जो मैंने आपके सामने की। ये सब के सब फोर्थ जनरेशन जहाज है, इनमें 19-20 के फर्क हैं और उसके मुताबिक देखना ये होता है कि जब जो भी आपके पास वेपन सिस्टम है, आपने जब दुश्मन के खिलाफ आपका टाकरा हो तो आपने अपनी स्ट्रेंथ इस्तेमाल करनी है और उसकी वीकनेस पे उसको हिट करना। और अगर आप अपनी वीकनेस दूसरे को प्रेजेंट कर देंगे तो इसका मतलब आपकी स्ट्रेटजी में मसला है, टैक्टिक्स ठीक नहीं है। और लिहाजा जब आपको ये पता हो कि जी मैं भी फोर्थ जनरेशन जहाज के अगेंस्ट पिच हो रहा हूँ, तो फिर आपने अपने टैक्टिक्स के जरिए अपनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करते हुए दूसरे पर गलबा पाना, ये है बेसिक उसूल। अब आप आ जाए JF-17 वर्सेस रफाल। अब इस वक्त जो हिंदुस्तान में तमाशा चल रहा है वो ये है कि उन्हें यके बाद दीगरे मुंह की खाना पड़ी, और ये कोई पहली मरतबा नहीं है। 65 की जंग से शुरू होते थे जबकि वो हमसे कितने बड़े थे, और फिर मुंह की खाना पड़ी, उनके दांत खट्टे किए। तब से आज तक हिंदुस्तान का कुलिया एक ही है और वो ये है कि पाकिस्तान को धमकी देना। इसी तरह आपको याद है एटमी ताकत जब वो बने थे और वो हमें धमकियां देते रहे जब तक हमने धमाका नहीं किया, हमने अपने दफा में ये काम किया, वरना हम इस मामले में जारहियत नहीं करना चाहते। ना हमारी जो स्ट्रेटजी है वो ऑफेंसिव नहीं है। हमें नजर आता है कि जब भी वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन करना चाहते हैं, कोई एक बहाना बनाया जाता है और उस बहाने के बाद पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की जाती है। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि अगर इस पर कोई मुहिमजोई करोगे तो हम ये नहीं सोचेंगे कि जवाब देना, हम जनाब रिटेलिएशन करेंगे और उसका वक्त कहां करेंगे, किस वक्त करेंगे, वो हमारी सवाबती। आप ये देखिए कि जो हमने कहा वही किया। पहले उसने मुहिमजोई की, बालाकोट में आए, जो उन्होंने बालाकोट में किया वो भी सारी दुनिया ने देखा कि वो हमारे एक दरख्त गिरा गए और कहने लगे जनाब हमने दहशत गर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए, और दोपहर से कोई 300 की बात, फिर 600, 1000, वो इस तरह की बातचीत करते रहे। अब ये सारे झूठ उनको क्यों बोलने पड़े, क्योंकि भारत में वोट लिए जाते हैं एक ही चीज पर, पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेना, इस पर वोट पड़ते हैं और इसी पर जीत होती है कि एक ही दिन में पाकिस्तान ने आपके दांत खट्टे किए, पूरी दुनिया ने इसको तस्लीम किया। अब वो ये करने में बुरी तरह मगन है कि वो जो इतनी हमें जगहसाई हुई उसको कवर कैसे किया जाए, कौन सी चीज है जिसकी आड़ ली जाए और दुनिया पे साबित किया जाए कि अब देखना हम क्या। अब उनके हाथ में एक खिलौना रफाल वाला आ गया, तो एक रफाल उनको मिला। ये सालों के मामले होते हैं, नए जहाज लाना, उनको अपने फ्लीट में इंटीग्रेट करके सेटल करना, उनमें ट्रेनिंग पायलट्स की देनी ताकि वो ऑपरेशनल कहलाए जा सके, ये बड़ा लंबा मामला है। JF-17 2005 में इंडक्शन हमने शुरू की थी, आज लड़ाई के काबिल हुआ है, 15 साल लगे हैं, अपना जहाज है, खुद साख्ता। ये होते हैं मामले, क्योंकि हमने JF-17 के वक्त हमने एक खाका तैयार किया था कि इस मरतबा हमने चीन की मदद ली है, वो जरूरी थी क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ये काम करने जा रहे थे, और उसकी भी मदद इस तरह दी कि इसमें ब्रेन वेयर हमारी थी और समझे कि हार्डवेयर यानी इंडस्ट्री उसकी, और उसने कहा इसलिए चाइनीज एयरफोर्स ने इस प्रोग्राम में ज्वाइन ही नहीं किया। वो खुद कहते थे हम इस काबिल नहीं है कि जो जिस लेवल की चीज आप चाहते हैं वो हम नहीं बना सकते। तो हमारा वेस्ट का भी और अमेरिकन टेक्नोलॉजी का तजर्बा था, मेरी अपनी बैकग्राउंड में F-16 था, फिर वेस्टर्न जहाज में फ्रेंच जहाज मिराज वो भी मैंने फ्लाई किए हुए थे, तो चूंकि तजर्बा था और नतीजा भी एक तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जहाज आप फाइटर बनाते हैं तो ये 10-15 साल में जाके बनता है। ये जो हमने JF-17 बनाया उसमें चूंकि मेरी अपनी बैकग्राउंड F-16 की थी, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं ब्लॉक बिल्डिंग। ब्लॉक बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि जो जहाज आपने बनाया उसको कुछ अरसे बाद जो ही टेक्नोलॉजी आगे जाए तो इस जहाज को आप उस टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट करें। जो F-16 हमने पहले फ्लाई किया था 1980-81, और अब जब 2008 में उनसे नया F-16 हमने खरीदा तो ब्लॉक 52 था। जब हम 1981 में जब जहाज 82 में ला रहे थे तो हमने फ्लाई वहां पे ब्लॉक 5 किया था, पर जो ला रहे थे जहाज वो ब्लॉक 15। टेक्नोलॉजी के साथ उस जहाज को अपग्रेड करते जाएं और अपग्रेड करके उसको नया जहाज बना के रखें ताकि वो पुराना ना हो। इसीलिए आज भी F-16 जो फ्रंट लाइन जितने जहाज हैं उनके साथ मुकाबला करता है, और आज भी हिंदुस्तान जो है वो सीरियसली उसको अमेरिका ने उसको ऑफर भी किया था, मगर चूंकि वो पाकिस्तान के पास है, हमारा तजर्बा है, उसने वो लेने से गुरेज किया कि जी वो तो हमसे बहुत आगे हैं।
हम इसको लेके अब क्या करेंगे, लिहाजा वो रफाल की तरफ जाएंगे, वरना अमेरिकन उनको ये ऑफर कर रहे हैं। अब ब्लॉक बिल्डिंग अप्रोच के तहत JF-17 उसी चीज को मॉडल बनाते हुए हमने ये काम किया, ब्लॉक वन बनाया, ब्लॉक टू बनाया, अब हम ब्लॉक थ्री तकरीबन मुकम्मल कर चुके हैं। लाजमी चीज है कि उसमें हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट वेपन्स, लेटेस्ट एवियोनिक्स जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं वो हमने इस्तेमाल की है। लिहाजा आप इसको यूं समझ लें कि रफाल को अगर आप लेटेस्ट कह रहे हैं तो आपका JF-17 भी लेटेस्ट। सो आप ये कभी ना मुझे जो है वो याद दिलाएं कि जनाब रफाल आ रहा है तो पता नहीं हम आसमान फतह करने जा रहे हैं और वो जो वहाँ जश्न मनाए जा रहे हैं, रफाल ले आओ, इसके साथ वही होगा जो हमने Su-30 के साथ किया। Su-30 टॉप ऑफ द लाइन जहाज है रूस का, आपने उसको उस दिन पिच किया, बहुत सारा काम जो है मशीन करती है, मगर याद रखे इट इज द मैन बिहाइंड द गन। मैन को इंशाल्लाह ना कभी आज तक मुकाबला कर सके ना वो कर पाएंगे। वजह क्या है, वजह दो है। एक वजह यह है कि एकेडमी में ही जब हम जाते हैं तो हमें बता दिया जाता है कि जो आपका दुश्मन है वो तादाद में मिकदार में आपसे बड़ा है, और दूसरी चीज है क्वालिटी। हमें ये बताया जाता है कि आपने क्वालिटी ऐसी रखनी है जिसके तहत उसकी जो क्वांटिटी है उसका मुकाबला कर सकते। तो क्वालिटी में फिर हमारे सामने मिसालें हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जोर हमेशा से क्वालिटी पे होता है, और क्वालिटी में फिर वो एक चीज आ जाती है जिसके अंदर जज्बा, जिसको आप कहते हैं हमारे लिए फखर का बायस है कि हमारी जान अल्लाह के रास्ते में जाए, जिसको हम शहादत कहते हैं। और कुरान सारा माशाल्लाह भरा हुआ है, वो ईमान तुम कहाँ से लाओ? तुम मूर्तियों की पूजा करने वाले, निम्बू छिड़कते हो जहाजों के ऊपर और गाय का पेशाब पीने वाले लोग, और तुम हमारे साथ मुकाबला करते हो, तो वो इंशाल्लाह कभी भी इस काबिल नहीं हो सकते। लिहाजा जो हमारा ब्लॉक थ्री है वो कोई भी चैलेंज है वो उसको निमटने के लिए उसके लेवल पे है। तीन मुल्क हैं जो उस मैदान में है 5th जनरेशन के लिए, अमेरिका, रूस और चीन। अगला मुल्क हम बनने जा रहे हैं, क्योंकि फाइटर जहाज आजकल खरीदना $100 बिलियन से ज्यादा एक जहाज की, तो फिर आप, और यही वजह है कि उनकी जो बेवाएं हैं पायलटों की, उन्होंने एक मरतबा सड़कों पे आके एहतजाज कि तुम हमारे खामदों को ये जहाज देते हो, तो उनके एयर चीफ ने भी पिछले दिनों कहा है ना कि हमें वो जहाज फ्लाई करने को हुकूमत देती है जितनी पुरानी लोग गाड़ियां भी नहीं चलाते। मोदी कह रहा है रफाल होता तो नतीजा और होता, ये कह रहा है हमसे इतने पुराने जहाज। इस वजह से लोगों के मुंह बंद करने के लिए और उस कौम को एक और धोखा देने के लिए कि अब रफाल आ गया है, देखो पाकिस्तान के साथ हम जाते हैं। ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन चीन के अंदर मैंने देखी, उनके जो वर्कर्स हैं मैं उनके साथ रातों को सोता भी रहा, उनको बकअप करने के लिए उनके साथ रहा कि ये जहाज हमने बनाने हमारी जरूरत थी, हमारे जहाज रिटायर हो रहे थे, हम भी फ्लाइंग कॉफिन्स में चले जाए, इनके पास स्क्वाड्रन ज्यादा है, लिहाजा इनके पास सैकड़ों जहाज हैं जो फ्लाइंग कॉफिन्स का दर्जा इख्तियार कर सके, हम तो गिने चुने जहाज भी उस कैटेगरी में नहीं डाल सकते थे। तो इसलिए उनकी सारी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वो मैंने देखी, और मुझे 100% यकीन है कि दुनिया की कोई ऐसी चीज आज नहीं, अमेरिका हो, रूस हो या कोई और मुल्क हो, जो चीनी नहीं कर सकते। और ये इतनी तेजी से पहुंचे हैं क्योंकि अब उन्होंने सोच लिया, पहले इनकी अप्रोच ये थी कि दुश्मन की अगर क्वालिटी है तो क्वांटिटी से उसको आपने केटर करना, कि जो ही टेक्नोलॉजी अगली आएगी और उसके अंदर कैपेबिलिटी काबिलियत ज्यादा होगी, हम वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे ताकि आपका जहाज जो है वो लेटेस्ट आए। X-16 के अंदर आधा F-16 वैसे ही खाली था, और वो कहते थे कि इस वक्त ये अमरीका की बात कर रहा हूँ जो सबसे एडवांस कंट्री, कि चूंकि ये हमारे पास टेक्नोलॉजी अभी नहीं है, इसको कहते हैं ग्रोथ पोटेंशियल, आपने उसके अंदर वो जगह छोड़ी और आपने कहा आप एंटिसिपेट करें कि फलां साल में मेरे पास फलां चीज आ जाएगी, फलां साल ये होगा, ऐसे होगा, और जब वो आएगी तो मैं इसके अंदर जहाज की जगह मुख्तस कर दी गई, उसके अंदर मैं ये चीज लगाऊं। इसी तरह ये जो कॉम्पोजिट मटेरियल हैं, ये हमारा पहले दिन से एफर्ट है, मगर कॉम्पोजिट मटेरियल उस लेवल के नहीं थे जब हमने स्टार्ट लिया। अब कॉम्पोजिट मटेरियल में तेजी आई है तो लिहाजा कॉम्पोजिट मटेरियल हमें इस्तेमाल करने चाहिए। जब आपकी इंजन थ्रस्ट बढ़ती है और वजन कम हो कि ओवरऑल जहाज की ताकत बढ़ गई, उसमें स्पीड भी आ गई, जहाज की ड्यूरेबिलिटी भी आ गई, जहाज की हरकत भी आ गई, ये सारी चीजें आती है। और लिहाजा ये जो एक स्ट्रगल है, ये जो हमारी कोशिश है, ये ऑनगोइंग कोशिश है, कॉम्पोजिट मटेरियल फायदा मंद है, तो लिहाजा जितने कॉम्पोजिट मटीरियल अवेलेबल होंगे हम उनको इस्तेमाल करते रहेंगे।